नमस्कार दोस्तों, 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। आज 2 बजे दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शपथ लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात से। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर अच्छी शुरुआत की है। भले ही आपकी ये शुरुआत अच्छी हो, लेकिन अब पार्टी के लिए विधायकों को एकजुट रखना कठिन हो गया है। विसावदार सीट से चुनाव जीतने वाले आप विधायक भूपत भयाणी कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आज 2 बजे वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और इसके अलावा भी 3 विधायक दोस्तों बीजेपी के संपर्क में हैं। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है सौराष्ट्र की विसावदार सीट राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की परंपरागत सीट मानी जाती है। केशुभाई के बाद हर्षद रिबड़िया कांग्रेस के टिकट पर 2 बार विधायक बन चुके हैं। गत चुनाव से पहले वो कांग्रेस बीजेपी में शामिल होकर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन आपके प्रत्याशी भूपत भयाणी ने उन्हें करीब 7,000 के अंतर से हरा दिया है। भयाणी बीजेपी गोत्र के हैं। 2 साल पहले ही वो पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले वो सरपंच भी रह चुके हैं। लेकिन अब दोस्तों बीजेपी का दामन आज थामने वाले हैं। 4 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। अब तक की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, बढ़ेगा बीजेपी का कुनबा। आज गुजरात में 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और यहीं पर दोस्तों वे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ती जा रही है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।